लेकिन बहुत ज़्यादा कोई यूनिक चीज़ नहीं है ऑनेस्टली बताऊँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक है कि भाई आदि जी के यहाँ पे आओगे कुछ अलग ही स्वाद मिलने वाला है। यहाँ से पैक करा के लेके जाना और अपने घर के पास में जहाँ पे भी जिस भी दुकान का आप रेगुलर खाते हो वो खाना, इसे खाना और उसे खाना कंपेयर करना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियांक त्यागी ब्लॉग में। तो पुरानी दिल्ली की जायकों की सफर में आज जो प्रशांत के साथ मैं वो आया हुआ हूँ, ये आए हुए हैं कि कहा जाता है प्रशांत की KFC वाला जो चिकन है, फ्राई चिकन, उससे भी अल्टीमेट, मतलब एक्चुअली KFC वालों ने इनको कॉपी किया है। ओरिजिनल ये है। तो इनका बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा फेमस है, पीछे देख करके उनको समझ में आ चुका होगा हम कहाँ पे हैं। हाजी जी के यहाँ पे हैं इनके यहाँ के स्पेशल चिकन फ्राई को खाने के लिए। बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ज़्यादा मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा उनको काम करते हुए परेशान करना। प्रोसेसिंग दिखाते हैं, सीधे दिखाते हैं किस तरीके से मैरिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, उसके बाद ऑर्डर करते हैं, टेस्ट पहुँचाते हैं, चेक करते हैं KFC से वाकई बेटर है, KFC ने इन्हें कॉपी किया है या इन्होंने KFC को कॉपी किया। वैसे KFC नहीं किया हो, क्योंकि KFC का जब तक जन्म भी नहीं हुआ था जब से ये बना रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो भैया फाइनली आप लोगों के पास आने का मौका मिल चुका है, बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे। तो सुनने में आया KFC वाले आपकी कॉपी करके उन्होंने अपने यहाँ KFC ब्रांड खोल लिया। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को अपना आपसे कंपेयर नहीं करते। हाँ, KFC अपनी जगह बेटर है, हम अपनी जगह। पर ये है आप क्या, वो तो मैंने आकर के देख ही लिया है कि जो सिलसिला चल रहा है किस तरीके से आप फेमस हो। किसी से भी पूछ लो हाजी जी का चिकन के बारे में, हर कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा जवान हो, जिसे भी चिकन खाने का शौकीन है, सबको पता है। बिल्कुल। तो लगभग आप भी इनकी फैमिली से ही हैं, सुधा है ना आप? तो ये आपके दादाजी हैं? हाँ जी, दादाजी। तो मतलब देखा जाए तो थर्ड जनरेशन ने काम चालू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और लगभग अगर हम बात करी जाए जो हमारे को, लगभग कितना साल हो चुका है शॉप को? ये 1975 से है। 1975। पहले हाजी जी बाहर फुटपाथ पर थे। हाँ। अब 25 साल से शॉप पर है। अरे 50 साल होगा इस काम को, मतलब ओवरऑल 50 साल के करीब आपको यहाँ पे सर्व करते हुए 50 साल हो गए। और स्टार्टिंग कितने रुपए से करी थी, कुछ याद है आपको? कुछ याद है स्टार्टिंग कितने रुपए से की थी जब से? स्टार्टिंग तो यही बता सकते हैं, 50 साल पुरानी बात। हाँ, मुझे सही बात है। बिल्कुल। और लगभग अगर बात की जाए लगभग कितने के किलो चिकन हमारा बन जाता होगा एक दिन में? ये तो कोई आइडिया नहीं है, पीछे से कट के आता रहता है जितनी जगह। और सबसे बड़ी बात है सातों दिन खुलती है, किसी दिन बंद नहीं रहती है। और समय क्या होता है दुकान का? दोपहर 2 बजे से रात 11:30-12 बजे तक लास्ट ऑर्डर आप लेते हैं। और होम डिलीवरी वगैरह भी होती है आप? नहीं, कुछ भी। सिर्फ जिसे भी खाना है यहाँ हो, ऑनलाइन का कोई हिसाब नहीं है। ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन डिलीवरी है। और सबसे बड़ी बात एक और ये भी होती है कि जो स्वाद यहाँ पे गर्मा गर्म खाने में मिल जाता है, घर पे पहुँचते पहुँचते स्वाद में फर्क पड़ जाता है। तो बढ़िया है कि यहाँ पे आओ गर्मा गर्म सामने बनवाते जाते जाते थोड़ा जूसी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, पानी पानी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्म होता है, भाप होती है उसके अंदर, उससे थोड़ा टेस्ट कम हो जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। स्वाद पहुंचाते हैं अब आप लोगों के, इतनी मेहनत का देखते कि क्या जादू है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीप फ्राई किया है, पहले इसे हाफ फ्राई किया गया जाता है, हाफ फ्राई के बाद में निकाला जाता है और अब ये फुल फ्राई हो रहा है और ये अंदर चिकन के पीसेस डाले जा रहे हैं और अच्छी तरह से इसे मैश कर दिया जाता है। मैश करने के बाद में फिर इसका भी सिंपल सा वो है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं डाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये चिकन डालेंगे, चिकन फ्राई होगा। चिकन फ्राई होने के बाद सिर्फ इनके जो अपने चाट मसाला वगैरह है, नींबू वगैरह है, वो डाल के ये सर्व करके दे देते हैं प्याज वगैरह के साथ में। तो प्रोसेस देखते हैं मेकिंग जो है इनका, और मेकिंग के बाद में सीधे ऑर्डर करते हैं। तो प्रशांत अगर देखा है कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया इनकी। हाँ, अगर देखा जाए 100 किलो की कढ़ाई है और रुक नहीं रहा है, मतलब एक बार निकल रहा है दूसरा बन रहा है, तैयार हो रहा है, ये पूरा पूरा भर देंगे नीचे।
तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से फ्राई किया जा रहा है और बढ़िया तरीके से फ्राई करने के बाद में अब ये फुल फ्राई हो चुका है और फुल फ्राई होगा। फुल फ्राई होने के बाद में अब इसमें मसाले वगैरह लगा करके इसे तैयार किया जाएगा। इसे छान लिया गया है और यहाँ पे ऑर्डर लगे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बस इसके छोटे छोटे पीस कर दिए जाएंगे जैसे लोगों को खाने हैं। और पीस होने के बाद में यहाँ पर आप ये क्या करेंगे इसको, और ये मसाले वगैरह उन्हें रेडी कर दिए जाएंगे। अभी दोबारा से इन्होंने ये कराया, इसे कटिंग होकर के एक बार फ्राई हो चुका है और उसके बाद में फिर से अब फ्राई हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और देखा जाए इनके भी, हाजी जी के भी हाथ इस उम्र के हिसाब से देखा जाए क्या मेहनत कर रहे हैं, आज तक बैठे नहीं है। इस एज में जनरली लोग रिटायरमेंट लेकर 40 साल हो गए इनको यहाँ बैठे हुए, 35-40 साल के नहीं यहाँ पे हो चुके हैं और प्रोसेस पे इनका इससे भी पुराना है। और सबसे बड़ी बात मेन्यू में है ही एक पहला और आखिरी आइटम मिलेगा, दूसरा कुछ आइटम मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको चिकन मिलेगा फ्राई में या मछली भी मिलती है। तो दोस्तों हमारा जो चिकन है हाजी जी का फ्राई चिकन KFC स्टाइल वाला, वो बन के रेडी हो चुका है फूड, क्योंकि पहले बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, अभी और बहुत बनानी है तो लिमिटेड ऑर्डर किया है, थोड़ा सा ही पोर्शन किया है। ये 1 लाख पीस है, इसकी कीमत है 140 रुपये जो हमको पड़ी है। साथ में ये 4 पीसेस को 4 पीसेस में काट दिया है, ये हरी प्याज दी है, नींबू और इनकी अपनी स्पेशल चटनी, तो इसके ऊपर नींबू डाला जाए फिर। हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा नींबू वगैरह से हाजी जी का अपना, क्या बात है। और देखा जाए तो ये भी क्वांटिटी के हिसाब से कम नहीं है, अच्छी क्वांटिटी। तो सबसे और पहुंचाते हैं, उठाओ प्रश्न, बहुत गर्म है, एकदम गरम हो रहा है। क्या बात है, ट्राई करते हैं इनकी चटनी के साथ में, इसके ये जो इनकी चटनी है इसके साथ में। और ना एक्चुअली में जूसी है, KFC से कंपेयर नहीं हो सकता, KFC का अपना है और इनका ये अपना तरीका है, KFC वाला नहीं है। मैं आपको बताऊँ बिल्कुल प्रॉपर जो फ्राइड चिकन होता है वो ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई यूनिक चीज़ नहीं है। ऑनेस्टली बताऊँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक है कि भाई आजी जी के यहाँ पे आओगे कुछ अलग ही स्वाद मिलने वाला है, ऐसा स्वाद होगा कि वो कहीं नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल चिकन है, नॉर्मल चिकन फ्राई है जो आपको हर गली में मिलता है, हर शहर में मिलता है, कोई स्पेशल कुछ ऐसा आइटम नहीं है कि इसके लिए स्पेशल हम बताएं कि एक स्पेशल तरीके से बनाया हुआ है। डिमांड इतनी हो चुकी है, मार्केटिंग इतनी हो चुकी है, नाम इतना हो चुका है तो लोग आते हैं उम्मीद से, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरा काम है सिर्फ सही बताना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। प्रशांत तुम्हारे इलाज से क्या है भाई, ईमानदारी से कुछ 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 भी नहीं है कि कुछ मुझे, मैं तो रियली शॉक दूँगी इतना नाम सुनाता हूँ जो मैंने टेस्ट करा, तो जिस तरह से वहाँ पर वो बिजी हैं इतना और ऐसे लोग आए हैं तो एकदम मतलब डिफरेंट ही निकला सब कुछ, तो जस्ट खाया। ये तो हर गली में मिल जाता है, ये किस कहीं भी जाओ घर के पास भी मिल जाएगा, किसी भी जगह मिल जाएगा ये, और आई थिंक इससे बेटर मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, मार्केटिंग है और मार्केटिंग जैसे नाम हो गया जो भी कहें, और बस और किस्मत है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है, स्पाइसीनेस, मैं को बल्कि स्पाइसी खाता हूँ, मेरे कंपेरिजन में प्रशांत कम स्पाइसी खाता है, जब मुझे स्पाइसी लग रहा है तो इसको तो कितना लग रहा होगा। तो ठीक है भाई, 140 रुपये दिए हैं, आओ, पर स्पेशल कुछ नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो आप कभी ऐसे
मतलब कहीं दूर से या पैसे अपने डाल के और यहाँ पे स्पेशली अगर खाने के लिए ये खाने के लिए आ रहे हो तो मत आना पहले, क्योंकि क्या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ से पैक करा के लेके जाना और अपने घर के पास में जहाँ पे भी जिस भी दुकान का आप रेगुलर खाते हो वो खाना, इसे खाना और उसे खाना कंपेयर करना, हम क्या बोल रहे हैं आंसर अपने आप मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, यहाँ पे अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं और ख़त्म करते हैं चिकन को भी हाजी जी के, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या देखते रहिए, जयंता जी ब्लॉग्स।